आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाते हैं कारू बाबा, यहाँ आने वाले भक्तों की पूर्ण होती है मनोकामनाएं। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। जिला सहरसा थाना एवं प्रखंड मैसी के पंचायत मैसी दशनी के वार्ड नंबर 12 महपुरा में कोसी नदी के तट पर स्थित संत बाबा कारू खिरीर का एक मंदिर है, जिसे शिव भक्ति के गुणों से गाय के लिए समर्पण के कारण देवत्व प्राप्त हुआ है। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग बाबा कारू खिरीर को दूध की पेशकश करते हैं। यद्यपि मैसी गाँव के पास यह मंदिर है, मैसी प्रखंड कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी कोसी तटबंध के नदी के किनारे स्थित है। यह आसन कोसी नदी के मुहाने पर स्थित है एवं हाल ही में बिहार सरकार ने कारू खिरहरी मंदिर को सबसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। हमारी टीम से बातचीत में मुखिया प्रतिद्वंदी संजय खिरेर ने कहा कि यहाँ पर दिन में हजारों श्रद्धालुओं दूध दही मिठाई अगरबत्ती इत्यादि लेकर आते हैं रोज एवं बाबा कारू खिरहरी को बड़ी श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं। खीर का भोग लगता है बाबा कारू को प्रतिदिन। सभी श्रद्धालु खीर का प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। बाबा कारू के आशीर्वाद से सभी भक्तों की गाय एवं भैंस को दूध देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बाबा कारू का भस्म लगाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, दूध से भंडार भर जाता है। बाबा कारू के हजारों भक्तों, बाबा कारू 4 भाई थे, महिनाथ खिरहेर, कारू खिरहेर, साहबी खिरहेर, लक्षण खिरहेर। 4 भाइयों का जन्म महापुरा नगरी में हुआ था। बाबा कारू भगवान शिव का परम भक्त थे। बाबा कारू 12 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात कोसी नदी में कमल का आसन बिछाकर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किए थे एवं कई वरदान भगवान शिव से प्राप्त किए थे। इसलिए आज कलयुग के देवता के रूप में आज पूजे जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी हमारे भक्त हैं बाबा कारू के नाम से कहीं भी गाजा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बाबा कारू उनका मनोवांछित फल देते हैं इत्यादि। महापुरा कारू बाबा मंदिर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। अभी हम बाबा कारू का जन्म स्थान महपुरा नगरी में बाबा कारू का जो मंदिर है वहाँ पे है, तो वहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो आगे देखिए, हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यही बाबा कारू का मंदिर है। ये सभी यात्री हैं और ये सीढ़ी जो है बाबा कारू के मंदिर के ऊपर जा रहे हैं। ये बाबा कारू का ही मंदिर है, देख रहे हैं। बाबा कारू का आंगन है जिसके प्रत्येक दिन लाखों भक्तजन आते हैं दूध लेकर और बाबा को पूजा करते हैं। एकदम 2 बजे के दिन में जो प्रसाद वितरण होता है उसमें प्रसाद से ग्रहण करते हैं और फिर चले जाते हैं। और बगल में पीछे तो देखिए कोसी नदी बह रहा है बाबा के बगल से। ये सभी सीन महापुरा के कारू स्थान से दिखा रहे हैं, जहाँ पे बाबा कारू 4 भाई थे। पहले महिनाथ पंडित, तब लक्षण खिरे, तब साहिब थे। ये सामने जो बाबा कारू का मंदिर है और यहाँ पे भक्तजन है पूजा पाठ करते हैं। ये महापुरा से कारू स्थान का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। गणपत
ये जो देख रहे हैं सीढ़ी है जो मंदिर से पूजा करके भक्तजन जो है, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बाबा कारू बाबा के स्थान का दिखा रहे हैं। पूजा पाठ करने के लिए धूप अगरबत्ती दिखा कर सके जितने भी भक्तजन है बाबा कारू से पूजा करते हैं। सीढ़ी के रास्ते पूजा करके अपने घर को जा रहे हैं। कुछ भक्तजन ऐसे भी हैं जो बाबा के दर्शन करने के लिए हैं। तो कुछ भक्तजन यहाँ पर विश्राम करवा रहे हैं क्योंकि जो दूर दराज से आते हैं वो थक जाते हैं। बगल बाबा काजू का देव स्थान और ये जो दृश्य दिखा रहे हैं बाबा कारू स्थान मथुरा का दिखा रहे हैं जहाँ पे बाबा कारू का जन्म हुई था। बाबा कारू का जन्म 1790 ईस्वी में हुआ था और बाबा कारू का पूर्वज जो है 1669 ईस्वी में इस मथुरा नगरी आए थे। मुसरत टाइम्स लाइव चैनल के माध्यम से हम आपको सीधे बाबा कारू स्थान का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं बाबा कारू का आंगन है जिनमें प्रतिदिन सैकड़ों भक्तजन आते हैं और पूजा पाठ करके मनवांछित फल प्राप्त करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। अभी कारू बाबा का भोग लगना बाकी है। भोग जब लगते हैं खीर से तो सभी भक्तजन इसमें ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में और ग्रहण करने के बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। भोग लगाने के लिए बाबा कारू के ऊपर खीर लेके गए भोग लगाने के। और जब तक बाबा कारू का भोग लगता है यही उनका भक्ता है जो भोग लगाने का काम करते हैं तब तक इसी ही को लॉक कर दिया जाता है। और बगल में जो देख रहे हैं ये सारे भक्तजन हैं जो इंतजार कर रहे हैं। हाँ अंदर में देख रहे हैं भोग लगाने का काम चल रहे हैं। फोटो खिंचा लो तो फोटो लो तो खिंचा हेलो लिया लो लाख तो 10 दिन की सब खाता लाने छोड़ा
और अंदर बाबा कारू के सभी को चढ़ाया जाता है। ये हम महापुरा से दिल्ली से आते हैं। और ये दोनों सामने तस्वीर बाबा और लक्ष्मी बाबा का तस्वीर है। कार बाबा और लक्ष्मी बाबा का तस्वीर था जिसको देख के नीचे बहुत आश्रम कर और ये देखिए उनके गेट पर भक्तजन जो है पूजा पाठ में लगे हैं। कार बाबा के आंगन में कम से कम लाखों भक्तगण बैठे हुए हैं। देखिए भोग लगने का कार्यक्रम शुरू हो गया। कारू बाबा का भोग लगने का कारू बाबा का जन्मभूमि महापुरा का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भोग लगने का समय हो चुका है। मुसरत टाइम्स लाइव चैनल के माध्यम से हम बाबा कारू स्थान का दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत और लगन से बाबा कारू का मंदिर बनाया गया है। अभी का दृश्य जो आप देख रहे हैं ये बड़ी सुंदर और रोमणीक है, क्योंकि आज से 10 साल पूर्व इस तरह से चकमका नहीं चकमका रहे थे। ये कारू बाबा का ही देन है और कलयुग के साक्षात देवता के रूप में बाबा कारू को ही पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ है। तो ये हम कारू स्थान का दिल्ली संभाग Thank you.
मुशर्रत टाइम्स लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं। और इस चैनल के जो हमारे चीफ एडिटर रियाज सर हैं, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से और बाबा कारू बाबा के स्थान से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि बिहार में जितने भी हमारे भक्तजन हैं उनको सीधे बाबा कारू की तस्वीर अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। थे तभी कितना भीड़ चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे भक्त लोग जो पूजा पाठ करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। महापुरा से दिलीप यादव की रिपोर्ट।